हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजहर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट मतलब बहुत सारे कैंडिडेट के डेटा को एक साथ naukri.com पर कैसे डाउनलोड करें। सब्सक्राइब करें इस रिक्रूटमेंट चैनल को, तो जब भी मैं रिक्रूटमेंट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो कैसा होता है, बहुत बार हमें जो है ना एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें एक एक्सेल शीट डाउनलोड करनी होती है और एक साथ हम बैक टू बैक डेटा को कंपेयर कर सकते हैं और बैक टू बैक कॉलिंग कर सकते हैं और बैक टू बैक मास ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं। आप इस डेटा का जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक्सेल शीट कैसे डाउनलोड करें, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा एक साथ में कैसे naukri.com से डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्च रेज्यूम्स में, जो हमारी नॉर्मल सर्च है। मैं सिर्फ सैम्पल सर्च आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सर्च को डिटेल में सीखना है रेजडेक्स की, तो साइड में एक वीडियो पॉपअप हो रहा होगा, उसको आप देख लिए। रिक्रूटर सर्च कर रहा हूँ मैं, आईटी। मुंबई, ठीक है। ये तीन चीज़ों को मैं बस सर्च कर रहा हूँ एज अ सैम्पल। तो यहाँ पे हमारी सर्च आ गई है। तो इसमें से मैं 20 रेज्यूम्स को डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 रेज्यूम्स को कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऐड करना है इसको, सारे रेज्यूम्स को सिलेक्ट करके फोल्डर बनाना है, क्रिएट न्यू, उसको नेम दूंगा मैं रिक्रूटर मुंबई सैम्पल, क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मेरा सैम्पल क्रिएट हो गया। फिर मुझे यहाँ जाना है, पर्सनल फोल्डर्स में जाना है। यहाँ पे मेरा रिक्रूटर मुंबई सैम्पल है ऑलरेडी बना हुआ, इसको मैं ओपन करूँगा। तो मेरे वो जो CVs मैंने सेव किए थे वो यहाँ पे ओपन हो गए। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है सबको या जिस जिसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे सेव करना है जिसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे आके डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। तो सारे CVs, ये मुझे ऑप्शंस पूछेगा कि डाउनलोड ऑल पेजेस फ्रॉम 20 और स्टार्ट एट इंडेक्स 1 to 20। तो मैं अगर 1 to 2 करूँगा तो 2 पे एंड कर देगा या 20 पे एंड कर देगा। पर अभी हम लोग सारे पेजेस डाउनलोड करेंगे। आप 1 to 7 या 1 to 5 भी कर सकते हैं या सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, XLS, XLSX, XLSX ओल्ड फॉर्मेट, XLS ओल्ड फॉर्मेट, तो आपको आपका देखना है कि आपका एक्सेल कौन सा वाला आपको आपका देखना है कि आपका कौन सा एक्सेल इसको सपोर्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो रहा है वो फोल्डर। ये यहाँ पे मुझसे पूछेगा किस नाम से सेव करना है। मैं रिक्रूटर मुंबई सैम्पल जो नाम है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सैम्पल कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा जो शीट है बहुत सारे रेज्यूम्स की वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसको हम ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये शीट जो है डाउनलोड हो गई है। ये मे बी ये वाला फॉर्मेट मेरे उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा एक्सेल उसको अकॉर्डिंगली टैकल करके सही करना चाह रहा है। तो ये इनके डिटेल्स के साथ कॉन्टैक्ट नंबर, रेज्यूम टाइटल, कैंडिडेट नेम, रेज्यूम टाइटल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वर्क एक्सपीरियंस, ये पूरी इसकी शीट्स बन गई हैं। ओके, और मैं अकॉर्डिंगली कमेंट दे सकता हूँ सबको, बैक टू बैक कॉलिंग करके कमेंट भी दे सकता हूँ। और उसी तरह एक कैंडिडेट इनसाइट्स की भी शीट ओपन हो गई है।
इसमें जो मैंने रिज्यूम्स डाउनलोड किए हैं उनका डिटेल्स मुझे पता चल जाएंगी। मीडियन सैलरी, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मीडियन, तो ये पूरी इंसाइट्स आ गई हैं मुझे, मेरे पास जो कैंडिडेट्स आए हैं अभी। ठीक है, व्हाट विच कॉलेजेस डू ग्रेजुएट फ्रॉम, वेयर डू दे लिव, ये आप इंसाइट्स भी देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, और कैंडिडेट डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर हायरिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें इस रिक्रूटमेंट चैनल को, तो जब भी मैं नया रिक्रूटमेंट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। बाय।